रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। टू क्लास, ये साइंस का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, यूजेज ऑफ प्लांट्स। तो हम प्लांट्स के यूजेज के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें हम वर्कबुक पर जो पेजेस हैं वो सॉल्व करेंगे और साथ ही आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यूजेज ऑफ प्लांट्स क्या है। तो क्लास आपने रीडिंग की हुई है लेसन की। यूजेज ऑफ प्लांट्स ये हैं कि सबसे पहले तो हम प्लांट्स से, आपको पता है, सांस लेते हैं, ठीक है। सांस लेने के लिए प्लांट्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं इसके, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दवाइयाँ बनाने के लिए और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए काम आती हैं। किचन में भी हम बहुत सारी चीज़ों से हेल्प लेते हैं, मसलन उसमें मिर्च शामिल है, जिंजर है, एलोवेरा है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम किचन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास, प्लांट्स जो हैं वो माहौल दोस्त भी होते हैं क्योंकि माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसलिए माहौल में भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम माहौल में भी प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें भी प्लांट्स का इस्तेमाल होता है। मसलन प्लांट्स से जो है वो चीज़ें जो दी जाती हैं उसमें सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह शामिल हैं। इसमें रूट वाली सब्जियां भी शामिल हैं जैसे शलजम, गाजर, चुकंदर वगैरह। लीव्स वाली सब्जियां, जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, पालक वगैरह, वो भी शामिल हैं। स्टेम भी शामिल है जिसमें शुगर कैन, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। फ्लावर्स में बहुत सारे सीड्स भी हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास, अब हम चलते हैं फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो हमारी वर्कबुक के ऊपर मौजूद है। हमारा पहला क्वेश्चन ही एक्टिविटी है, ठीक है। तो क्लास, आपको बोर्ड के ऊपर एक ग्लास बना हुआ नजर आ रहा है, ये हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। ग्लास ले लें या खुले मुंह वाली कोई बॉटल ले लें आप, जिसका ऊपर से मुँह थोड़ा खुला हुआ हो, उसमें आप क्या करें, पेपल्स, कंकरियाँ, जो छोटे छोटे रोड़े होते हैं वो आप डाल के इसके नीचे वाला जो चौथा हिस्सा है उसको आप भर लें, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर मट्टी डालें, मट्टी डालें आप इतनी तकरीबन कि वो हाफ हो जाए, ग्लास है तो भी, अगर बोतल है तो भी वो हाफ हो जाए, इतनी आपने उसमें मट्टी डालनी है। मट्टी डालने के बाद आप इसमें इंडोर प्लांट जो हैं वो इसमें आप बोएंगे, ठीक है। इंडोर प्लांट्स में मतलब वो जो छांव में भी उग सकते हैं, इस तरह के पौधे जो छोटे छोटे हैं, आप एलोवेरा भी इसमें उगा सकते हैं, वो लगाइए। साथ में अगर आपके पास कोई नायलन के छोटे छोटे टॉयज हैं तो वो भी आप उसमें डाल दीजिए। बाद में आपने ये चेक करना है पानी देने के बाद, उसको 2-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है, जो आपने प्लांट जो इसमें उगाया था वो उगा या नहीं उगा। अगर उगा है तो वो कितना उगा है, फिर आप एक्टिविटी के हिसाब से उसमें जो है उसके पॉइंट्स नोट कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास, आगे हम देखते हैं हमारा एक्टिविटी के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है मेडिसिन इन द किचन। तो क्लास, किचन में बहुत सारी हर्ब्स जो हैं वो हम खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें हमारी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो शामिल हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ ब्लैंक्स फिल की हैं जो आपके वर्कबुक के पेज नंबर 44 पे मौजूद है। आपने वर्ड क्लाउड लेना है अपनी वर्कबुक के पेज से, जहाँ पे इसकी एक्सरसाइज मौजूद है, ठीक है। वहाँ से आपने वर्ड क्लाउड लेना है, पेज नंबर 44 पे आपने इसको सॉल्व करना है, जहाँ पे ये एक्टिविटी आपकी ड्रॉ की हुई है, ब्लैंक्स की जगह छोड़ी हुई है, वहाँ पे आपने इसको फिल करना है, ठीक है। आप इस शेप में टू क्लास इसको करेंगे, ये देखिए ज़रा, इस शेप में आप इसको राइट करेंगे, ठीक है, अपनी वर्कबुक के ऊपर, पेज नंबर 44 के ऊपर। और फिर उसको इस तरह से पीसीज में काट लेंगे और अपने बुक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस शेप में आप इसको कट करेंगे, इस तरह से आप कट करके इसको पेस्ट भी करेंगे अपनी वर्कबुक के ऊपर, पेज नंबर 44 के ऊपर। टू क्लास, फर्स्ट आपकी ब्लैंक है जिंजर ट्रीट्स मोशन सिकनेस, यानी आप मोशन में जो है, जब आप बीमार होते हैं मोशन में, तो आप जिंजर का जो है वो कहवा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एलोवेरा जेल इज यूज एज बाम, लेवेंडर मेक योर बॉडी काम, कोरिएंडर प्रमोट्स हार्ट ब्रेन स्किन, ओरिगेनो इज हर्ब इट ट्रीट्स इन्फेक्शंस, मिंट इज यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर। टू क्लास, की आपकी वो हर्ब्स हैं जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेल्स अस द एज ऑफ ट्री। आंसर है नंबर ऑफ रिंग्स। क्वेश्चन है, विच हैज अ थिकर स्किन, अ प्लम और अ मैंगो। आप इसका आंसर राइट करेंगे मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज। इसका आंसर है यस। नेक्स्ट है, विच हैज मोर सीड्स, अ पोमीग्रेनेट और अ पपाया। आप इसका आंसर राइट करेंगे पपाया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डू ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट। आंसर है नो। क्वेश्चन है, इज अ फ्लावर स्टिल
अलाइव आफ्टर इट हैज बीन प्लक्ड? आंसर है यस। तो क्लास उम्मीद है आज का लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को बार बार वॉच कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह।